एक हफ्ता प्रभु मेरा जीवन में भी मेरा हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु मेरा जीवन में था, मुझको पता है। इसलिए मैं आज आपके सामने और आपके साथ इधर खड़ा हूँ। अगर प्रभु की योजना और प्रभु की दया मेरे जीवन पर नहीं है तो मैं आज इधर नहीं हो सकते थे। मेरा गवाही है, मेरे परिवार में और सब ठीक है। मेरे लिए भी आज एक खुशी का दिन है, क्योंकि पता नहीं था हमारा बीच में से कितने लोग और कितने लोग का आत्मा को हम बचा सकते हैं करके, क्योंकि वचन बताना और वचन की सच्चाई को बांटना हमारा काम है, काम करना प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। जैसे ही हम सबको पता है हमारा इस मसीह जीवन में ज़्यादातर आज के ज़माने में देखा तो ज़्यादा कमजोरी ये है वचन को सिखाने के लिए और वचन का सत्य को दर्द के बीच में भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सबका यो सोच और सबका बात ये होता है, इस दुनिया में मैं किसी के सामने कैसे जीऊँ यार। इस दुनिया में मैंने एक अच्छा व्यक्ति बन के जीना करके, जैसे हम वचन में पढ़ता है, आत्मा में शुरू होकर शरीर में पूर्ण होने के लिए सोचने वाला एक युग में हम जी रहे। गलातियों का पत्री वहाँ लिखा है अध्याय 3 में गलातियों के लिए पौलुस से ये बोलना चाहता है, तुम लोग आत्मा में शुरू किया, आत्मा में शुरू होकर अभी शरीर में पूर्ण। हम वो वचन पढ़ेंगे गलातियों का पत्री अध्याय 3 उसका 14 वचन, गलातियों का पत्री अध्याय 3 उसका 14 वचन में प्रभु ने हमको एक बहुत अच्छा वचन दिया है। वचन पढ़ने के बाद हमको आज का दुनिया में क्या चल रहा है बहुत अच्छा से समझ आता है। Chapter 3:3, आर यू सो फूलिश हैविंग बिगन बाय द स्पिरिट आर यू नाउ बीइंग परफेक्टेड बाय द फ्लैश। वहाँ लिखा है हम आत्मा में शुरू होने के बाद परफेक्शन होना है तो भी वही पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा ही हम हो सकता है। किसी ने इसका हिंदी पढ़िए गलातियों का पत्र 3:3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके अब शरीर की रीति पर अंध करोगे। वहाँ लिखा है इंग्लिश में तो वहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, हमारा इस मसीह जीवन और हमारे इस विश्वासी जीवन में हम आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से परफेक्ट होते हुए जीना है। जैसे हम पढ़ रहे थे हमारे जीवन में वो पवित्रीकरण नहीं है तो हम वो आनंद जीवन तक जाना हमारे लिए साध्य नहीं होता है। इधर वचन में पौलुस ने बहुत अच्छा से गलातियों को लोगों के लिए लिखा है, हमारे जीवन में हम आत्मा में शुरू होने के बाद ऐसा एक स्थिति में हम नहीं गिरना है शरीर के साथ और शरीर की द्वारा परफेक्ट होने का अनुभव और ऐसा वाला संदर्भ हमारा जीवन में नहीं होना है। वो वचन हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में पढ़ के देखना, वहाँ लिखा है हमारा जीवन में इस विश्वास का बीज आत्मा में पवित्र आत्मा के साथ शुरू होता है और हमारा प्रार्थना ये होना है, प्रभु इस जो बातें मैंने आत्मा में शुरू किया, ये जो सोच मेरा आत्मा में मैंने निर्णय लिया, ये मैंने शरीर की कामों के लिए नहीं होना है। हमको पता है हमारे इस मसीह जीवन में हम हर दिन पवित्र होते हुए जीना है। इधर लिखा है परफेक्शन हमारे जीवन में आना है तो वो पवित्रीकरण हमारे जीवन में आना है तो किसकी द्वारा आएगा? प्रभु की वचन की द्वारा, इस वचन आत्मा की द्वारा ही आएगा। इधर लिखा है हम शरीर में परफेक्शन होके जीने के लिए कोशिश किया तो वो कभी भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की ये कहानी इसलिए मैंने आप लोगों को पर्सनली बुलाकर सुनना चाहता था, क्योंकि अगर मुझसे कुछ ऐसा पुरानी बात है आपका जीवन में हुआ तो वो नहीं होना है। इसलिए एक एक व्यक्ति को मैंने बुलाकर आप लोगों से पूछा, आप लोगों के जीवन में पुराना जो बातें हुआ तो वो कैसे हुआ था करके, वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आया। कुछ लोगों को खुद पता भी नहीं था क्या करने जा रहा हूँ मैं, किसको पहनने जा रहा हूँ, किसकी आज्ञा मानते हुए जा रहा हूँ पता ही नहीं था। कुछ बड़े लोगों को देखकर, कुछ बड़े लोगों को बात मानकर जाकर वो जो बपतिस्मा आप लोग लिया। अभी इधर वचन में लिखा है आपका जीवन में पवित्रीकरण होना है तो आत्मा से ही, आपके जीवन में परफेक्शन आना है तो आत्मा से ही होगा। ये जो निर्णय मैं और आप लेता है ना, वो निर्णय हम आत्मा से लेना है। वो जो आत्मा हमारा अंदर तड़पता है, वो जो रिश्ता से मैंने दूर हो गया,
वो जो रिश्ता से मैंने अकेला हो गया, मैंने वहाँ वापस जुड़ना है। अगर वो जो रिश्ता से मैंने वापस चले गया, मैं नहीं जुड़ा, तो इस दुनिया में ही मेरा आत्मा नष्ट हो जाएगा। वो जो दर्द, वो जो सोच मुझको और आपको ये जो बड़े आज्ञा को मानने के लिए और बड़ा आज्ञा को पालन के लिए तैयार करता है, कोई पास्टर नहीं, आपको कोई सार नहीं, कोई संस्था नहीं। इस दुनिया में ये जो शरीर की द्वारा कितने लोग आपके सामने आता है, किसी को आपके मन को फिराना नहीं होगा, आपको परफेक्ट करना किसी से नहीं होगा, सिर्फ पवित्र आत्मा को और परमेश्वर का इस वचन को ही होगा। ये कोई धर्म को बदलने के लिए नहीं, किसको बदलने के लिए है? मैं खुद को बदलते हुए, मेरी वो पुराना जीवन को मार डालते हुए आगे चलने के लिए है। आइए हम इसके साथ साथ और एक कहानियों को भी मैंने आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका श्रेष्ठ समाचार अध्याय 13 का अध्याय 13 का 10 से लेकर पढ़िए, किसी ने खड़े होकर। लूका श्रेष्ठ समाचार अध्याय 13 का 10 से लेकर पढ़िए। जैसे ही मैंने शुरुआत में बोला था, हम कुछ निर्णय लिया तो और निर्णय के लिए हमको बल और सामर्थ्य का जरूरत है। हमारे जीवन में जब हम निर्णय लेने के लिए कोशिश करता है, तब शैतान हमारे जीवन में लेके आने वाला एक बात है, तू दुर्बल है, तुझसे नहीं होगा। किसी ने पढ़िए सुसमाचार लूका श्रेष्ठ सुसमाचार अध्याय 13 का 10 से लेकर 10 का 10 11 12 और 13 तक पढ़ के बैठिए। सप्ताह के दिन वह एक आराधना में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उससे अच्छा किया था। इधर लूका श्रेष्ठ सुसमाचार जब हम पढ़ता है, हमको पता है लूका एक वैद्य था। वो लिखने का तरीका भी ऐसा था, एक इंसान के जीवन में वो जो अनुभव से गुजर के जा रहा है, ये वचन पढ़ने के बाद वो खुद को उनका इस वचनों में दे सकता है, उनके जीवन में कौन सा हड्डिया उसका डिसलोकेट हुआ है या उनके जीवन में वो कौन सी जगह पे प्रभु से दूर हो चुका है। वो बहुत अच्छा से इस वचन पढ़ने के द्वारा वो पढ़ने वाला व्यक्ति को समझ आता है। इधर हम एक स्त्री की कहानी हम पढ़ा, इधर इस कहानी में यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक सिनेगोग में और मंदिर में जाकर प्रचार करते हुए जा रहा था, तब यीशु मसीह ने एक कुबड़ी हुई एक स्त्री को, उसका इंग्लिश में पढ़ा है तो, नाउ ही वॉज टीचिंग इन वन ऑफ द सिनेगोग्स ऑन सबत एंड बिहोल्ड देयर वॉज ए वुमन हु हैड ए डिसेबलिंग स्पिरिट ऑफ 18 ईयर्स 18 साल से वो स्त्री को डिसेबल करते हुए, उनको पकड़ के रखते हुए एक दुरात्मा इनके जीवन में, इसको ग्रीक में बोला तो न्यूमा एकोसा अस्तेनिया करके बोलते हैं, मतलब उनको कुछ करने के लिए सोच है तो भी ये जो दुरात्मा इनको पकड़ते हुए बांध के रखा है उसको करना नहीं देता है। और आगे हम पढ़ के जाने का समय हमको समझ आता है वचन नंबर 12 में, वुमन यू आर फ्रीड फ्रॉम योर डिसेबिलिटी। वो स्त्री को लेकर देखकर यीशु मसीह ने बोला, तू अभी से तेरा वो दुर्बलता से तू आजादी हो चुका है। वो वचन जो वहां लिखा है, वुमन यू आर फ्रीड फ्रॉम योर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी करके शब्द का रूट वर्ड में आता है, किसी ने किसी को बांध के रखा था। जब हम ग्रीक में पढ़ता है इस वचन को, वहां लिखा है किसी ने और किसी को बांध के रखा है। जब हम वचन पढ़ता है वहां हमको यह समझ आता है गलातियों का पत्र अध्याय 6 में, जो पौलुस ने गलातियों का कलीसिया के लिए लिखे गया, वहां लिखा है अगर किसी ने अपराधों में गिरे गया तो, मतलब उनकी कमजोरियों की वजह से शैतान ने उसको क्या करके रखा, बांध के रखा। वो कमजोरियों की वजह से उनको आगे जाना भी नहीं होता है। ये मेरे जीवन में और आपके जीवन में सेम है। जब यीशु मसीह ने वो औरत को बुलाया, वो स्त्री को बुलाया, उन्होंने क्या किया करके वहाँ लिखा, उन्होंने यीशु के पास चले गए करके लिखा है। इसमें से हमको ये सीख मिलता है, कोई भी दुर्बलता, कोई भी कमजोरी मेरा और आपका जीवन में होगा,
जब से बुलाहट मेरा और आपका जीवन में हम महसूस करता है, तब हम क्या करना है? पुराना नियम से लेकर पढ़ के आना, मूसा से लेकर, जब उनका जीवन में बुलाहट आया, पहला बात उनका मुंह से क्या निकला? मुझको बोलना नहीं आता है। वही आया ना, जब जरमिया को परमेश्वर ने बुलाया, उन्होंने क्या बोला? मुझको बोलना भी, मतलब ये मेरा और आपका जीवन में भी सेम टू सेम है, ये अनुभव संदर्भ सेम है। जब से हम वो बुलाहट को समझ लेता है और जब से वो बुलाहट हमारा आत्मा से बोलता है तुझे प्रभु के पास जाने की जरूरत है, शैतान ने तुरंत क्या कर देता है? हमारा मन के अंदर से एक सोच लेके आता है, तू तो दुर्बल है, तुझसे नहीं होगा, तू जाने से भी कोई फायदा नहीं है। हम सुसमाचार में और एक औरत की कहानियां पढ़ता है और बहुत लोगों का कहानियां पढ़ता है, कुछ लोगों को चंगाई मिलने के लिए जरूरत था, फिर भी उनसे नहीं हो पा रहा है। इधर ये औरत का कहानी है, उनको किसी ने, इसलिए हम बोलता है वो रूट वर्ड, एक एक शब्द लेकर आप लोग वचन के पढ़ के देखा तो वहां लिखा है उनकी दुर्बलता, मतलब ऐसा था उनको किसी ने बांध कर। फिर भी बात यह है, जब से यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का आवाज सुनकर यीशु मसीह का पास चले गया, यीशु मसीह हाथ लगाकर उनसे क्या बोला? अभी से वो जो बातें तुझको बांध के रखा था, मैंने उनको अनटाई करके रखा हूं, मतलब मैंने उसको खोल के दिया हूं। उसके बाद वहां क्या लिखा? वो स्त्री ने उस दिन तक एक बात नहीं किया था, वही बात किया। और वहां लिखे रखा है वचन नंबर 13 का लास्ट में, एंड ही लेड हिज हैंड्स ऑन हर एंड इमीडिएटली शी वाज मेड स्ट्रेट एंड शी ग्लोरीफाइड गॉड। मतलब उस दिन तक वो स्त्री को सीधा सीधा खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको दुरात्मा ने, शैतान ने बांध कर, वो स्त्री को अभी एक बात महसूस हुआ, आज से मैंने सीधा स्ट्रेट खड़े होकर मेरे जीवन में मैंने सब कुछ है। इसलिए वहां लिखा उन्होंने तुरंत क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्योंकि 18 साल तक आजादी आजादी बोलकर बहुत लोग आप लोगों के सामने आया होगा, और आपका इस जिंदगी तक स्वतंत्रता आजादी करके बात लेकर आपके सामने बहुत लोग आया होगा। प्रभु के वचन हमको पहले यह सिखाया, हमको परफेक्ट करना इस दुनिया का किसी व्यक्ति से नहीं होगा, मुझको और आपको परफेक्ट करना है तो ये वचन की सामर्थ्य से ही होगा, प्रभु की इच्छा से ही होगा। उनकी इच्छा और उनका योजना मेरा ऊपर आपका ऊपर था, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया। लोग हमको देखकर ये बोला, इसका दुर्बल, ये तो दुर्बल है, इनसे कुछ नहीं, इनको सीधा खड़ा होना भी नहीं होगा। स्त्री की कहानी है, सीधा खड़ा होना भी नहीं होगा। आप लोग देखा हो गए, बूढ़े होते हैं लोग क्या होता है, सीधा सीधा होते होते थोड़ा इधर जैसे लिखा है कुबड़ी हो जाता है। उनका जीवन में उनका दर्द कितना होगा आप लोग महसूस किया? किसी का चेहरा देखना हो भी उनसे नहीं होगा, कुछ काम करना ऐसे भी इनसे, उनका ऐसा एक अनुभव से वो जा रहा है ऐसा वाला लोग। शारीरिक रूप से बात किया तो लूका ने इधर लिखते हुए, वो एक डॉक्टर था, ये कुबड़ी होने का अवस्था ये है, इधर का हमारा जो हड्डी है वो हड्डी क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। फिर किसी का मुंह देखना और कुछ जगह पे खड़े होकर कुछ करना भी हमसे नहीं होगा। ये जो अनुभव मेरा और आपका जीवन में भी होगा, हम कुछ करने के लिए कोशिश करता है फिर भी हमसे नहीं, ऐसा एक अनुभव में हम हैं, हमको किसी ने बांध कर रखा है। इसलिए प्रभु की वचन आज हमारा बीच में आया, और प्रभु की वचन पिछले हफ्तों से हमारा बीच में आया, वो जो कुबड़ी हुई अवस्था से, वो जो टेढ़े होते हुए खड़ा होने का अवस्था से, अभी ये आज्ञा को, अभी ये वचन का सामर्थ को आत्मा में अनुभव करने के बाद मैं और आप सोचना है, आज से वो बंधन से मैंने बाहर, फिर मेरा जीवन में एक ही बात होना है, आई हैव टू ग्लोरीफाई गॉड। मैंने हमेशा प्रभु का धन्यवाद के साथ कुबड़ी होते हुए खड़ा नहीं होना है। कैसे खड़े होना है? सीधा सीधा खड़े होते हुए, वो जो गवाही आपका जीवन में प्रभु ने आज देता है और पहले दिया है, वो गवाही बोलने के लिए प्रभु मुझको और आपको सीधा सीधा खड़ा किया है। और एक कहानी को भी मैंने याद दिलाना चाहता हूँ, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में
लिखा है, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार समाचार अध्याय 5 का, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 5 उसका 7वां वचन। द सिक मैन आंसर्ड हिम, सर आई हैव नो वन टू पुट मी इनटू द पूल व्हेन द वाटर इज स्टर्ड अप एंड व्हाइल आई एम गोइंग अनदर स्टेप्स डाउन बिफोर मी। इधर वो जो बीमार से और पीड़ा पीड़ित व्यक्ति बोलता है यीशु मसीह से, मुझे लेके जाने के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह उनके सामने जाकर एक बातें पूछा, क्या तुझे चंगाई होने के लिए मन है? इस कहानी को पढ़ने के समय हमको ऐसा समझ आता है, इधर एक व्यक्ति चंगा होने के लिए वहाँ है वो बेत्सैदा में, फिर यीशु मसीह जाकर क्या पूछता है, क्या तुझे चंगा होने के लिए? ये दोनों कहानी से भी हमको एक आत्मिक अर्थ ये है, ये जो अवस्था में मैं और आप है, इसमें से बाहर आकर जीने के लिए कौन निर्णय लेना है? कौन निर्णय लेना है? खुद का निर्णय। इसलिए यीशु मसीह उनसे पूछा, क्या तुझे चंगाई, क्या तुझे चंगा होना मन? उन्होंने खुद बताया, मुझको तो चंगा होने के लिए मन है, फिर भी मुझको मदद देने के लिए कोई? यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया, मैं हूं, फिर भी तू एक काम तो तू करना है, क्या है? तेरा बिस्तर उठाकर इधर से चल पड़ो। जब हम इस वचन को पढ़ता है, बिस्तर उठाना, ये वापस पूछना, अर्थ क्या है, वो पांचवा वचन का 16-14 से लेकर पढ़ के देखना, यही व्यक्ति को यीशु मसीह फिर मंदिर में मिला। यीशु मसीह उनसे ये बातें याद दिलाया, फिर पाप नहीं करना, अगर फिर पाप में तू गिर गया तो तू पहले दे रहा संदर्भ कैसे था उससे भी खराब संदर्भ में तू क्या होगा, फंस जाएगा। अभी समझ आया यीशु मसीह क्यों उनसे बोला, बिस्तर उठाकर वो जगह को छोड़ के चले जाने के लिए। कभी कभी मेरा जीवन में, आपका जीवन में अनुभव आता है, कभी कभी हम वो पुराना जगह पे वापस जाकर थोड़ा रेस्ट करता है, क्योंकि बिस्तर और तकिया वहाँ अभी भी। आज से जो निर्णय हम लेता है और बपतिस्मा के पहले जो निर्णय हम लेता है, हम प्रभु के आज्ञा को पूर्ण विश्वास के साथ पालन करने के लिए जा रहे हैं, हम क्या करना पड़ेगा, वो पुराना जीवन से बिस्तर और तकिया करके नहीं है, वहाँ बिस्तर उठा के निकल पड़ना। फिर वो व्यक्ति के बारे में पढ़ के देखना, वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, लोगों के सामने गवाह देते हुए आगे जिंदगी बिताया। वो स्त्री भी क्या किया, प्रभु को महिमा किया। इस दो वचन से प्रभु हमको ये सिखाया, वो जो बातें प्रभु ने हमको सिखाया वो मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर इस छोटी सी मनन को मैंने समाप्त करना चाहूँगा। गलातियों का पत्री अध्याय 5:1, ये जो बुलाहट, ये जो निर्णय मैं और आप आत्मा में लिया है, वो हमारा आज़ादी के लिए है। बहुत लोग आपको आज़ादी करने के लिए आपका सामने आएगा, चाहे बड़ा पास्टर होगा, छोटा पास्टर होगा, बड़ा सर होगा, छोटा सर होगा, किसी से भी ये पाप से आज़ादी देना नहीं होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति से होगा, वो हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। वो मैं और आप मन के अंदर से खुद का निर्णय लिया तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। यही बातें मैंने आप लोगों को देना चाहता हूँ। अभी जो निर्णय लेके आप लोग आगे चल रहा है, ये निर्णय आप लोगों को इस वचन में खड़े होने के लिए होने पाए और इस आज़ादी का अनुभव में स्थिर खड़ा करने के लिए होने पाए। अगर आप लोगों का जीवन में आज से लेकर जितना पीड़ा आएगा और जितना बातें आप लोगों के जीवन में आएगा, आपको तो घमंड होने के लिए एक ही बात है, वो वचन भी मैंने आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गलातियों पत्र 6:14, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार की सृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आज आप लोग और जितने लोग हैं नए आज्ञा का पालन करने वाला है,
आप लोगों को पुराना जीवन को वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ है। वो पुराना जो जगह से बिस्तर लेकर निकल के गवाह बनकर निकल पड़ने के लिए आप लोग तैयार हुआ है। इसी निर्णय में हमेशा बने रहना और ये जो गवाही आप लोगों के जीवन में प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा करते हुए, चाहे दुख हो या सुख हो, यही सोच में, ये जो वचन में बने रखने के लिए प्रार्थना के साथ आगे चलना। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब मैं प्रार्थना करूँगा, आप लोग भी मन के अंदर प्रार्थना करना। ये जो वचन आज हमारे सामने सुनाया गया है, प्रार्थना करना, प्रभु पिता परमेश्वर, ये जो वचन से मैंने सीखा, मुझको सिखाया प्रभु, मेरा दिमाग, मेरा आत्मा में आप मुझसे बातें किया प्रभु, इसलिए प्रभु मैंने एक निर्णय लिया हूँ। मेरी दुर्बलता में भी अगर मैं आपको बुलाहट को सुना तो मैंने आपके पास चल के आऊँगा, क्योंकि मेरा विश्वास ये है। आज तक मैंने सीधा सीधा खड़ा नहीं पाया प्रभु, पर भी आज से जब से मेरे वो बुलाहट को लेते हुए, वो बुलाहट को मानते हुए आपके पास चले आया, तब से लेकर मेरा विश्वास ये है, मैं दुर्बल नहीं हूँ। मेरी दुर्बलता में मुझको सीधा खड़ा कर एक गवाह बनाने के लिए प्रभु आप मुझको बुलाया, इसलिए प्रभु मैंने इस आज्ञा को पालन करने के लिए मन लगाया हूँ। प्रभु मेरे इस आने वाले जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये जो वचन, ये जो आज्ञा मैंने पालन करते हुए जीने के लिए प्रभु आप मुझको बल देना। कभी भी मेरा कमजोरियाँ, मेरी दुर्बलता मुझको गिरा ना दे प्रभु। ये जो आज़ादी आज मुझको मिलता है, ये जो आज़ादी में मैं जी रहा हूँ, ये आज़ादी को हर दिन अनुभव करते हुए जीने पाए प्रभु। बहुत लोगों को प्रभु इस आज़ादी में लेके आने के लिए मेरी जीवन एक गवाह बनने पाए प्रभु। प्रभु मैं आत्मा में जो बातें शुरू करता हूँ वो महिमा का दिन तक मुझे संभालने के लिए आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु आप मुझको बांधना प्रभु। इस दुनिया का और कुछ चीज़ों से प्रभु मुझे और कुछ चीज़ें प्रभु मुझको नहीं बांधना है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा से मुझको चारों तरफ बांध के रखना प्रभु, ताकि वो महिमा का दिन, वो बादलों पर जब आप आएगा मैं आपको देखने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने लोग वापिस में लेना चाहता है आप घुटनों में खड़ा होना भी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।